तो हेलो दोस्तों यार, फाइनली हमारे पास बजाज पल्सर NS160 NS160 आ चुकी है। आज मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू करके बताऊंगा। BS6 में बाइक आ गई है और ये जो आपके भाई के पास बाइक खड़ी है BS6 में ही है। मैंने इसकी टेस्ट राइड ली है, चलाया बाइक को। अब इसमें बात करते हैं कि आपको क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है और क्या कुछ आपको इससे शिकायत हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले बाइक के फ्रंट के बारे में बात करते हैं। आपको फ्रंट में इसमें वही सेम लाइट मिलती है जो कि आपको NS200 में मिलती है, लेकिन इसमें अब भी हैलोजन ही है। अगर आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी थी कि BS6 में इसमें आपको LED लाइट देखने को मिलेगी, वो इसमें नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो कि आपको BS4 में मिलती थी। सभी चीज़ें हैं, ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हो, जो इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हो, सब सेम है। इनके अंदर कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हो, आपकी साइड लुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साइड लुक में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम लुक आपको अब भी देखने को मिलती है और पहले भी यही देखने को मिलती थी। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। इसके साथ ही इसमें बदलाव की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें अब आपको जो पहले की तरह, जैसे पहले इसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, मैं इसमें ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो FI की जो लाइट है, जिसको आप इंजन चेक लाइट या फिर मालवेयर डिटेक्ट लाइट भी बोलते हो, वो चीज़ पहले नहीं थी, जो कि अब ऐड कर दी गई है और ये सभी में ही ऐड हो रही है। तो लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था कि मैं आपको एक बार बताऊं, तो उस वजह से मैंने आपको बताया। इसके साथ ही नेक्स्ट बदलाव की बात करें तो इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, जो कि मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है और अब जैसे मैं इस बाइक में गियर लगाता हूँ, इसमें स्टैंड लगा हुआ है, आप देख नोटिस करना, स्टैंड लगा हुआ है, लेकिन मैं इसमें गियर लगाता हूँ तो गियर लगाती बाइक बंद हो जाती है, जो कि सेफ्टी फीचर है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्टैंड हटाना भूल जाते हो तो आपकी बाइक चलेगी ही नहीं, तो आपकी जो जर्नी थोड़ी सेफ हो जाएगी इसकी वजह से। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो 160 सीसी का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन है, जो कि फ्यूल इंजेक्टर के साथ आता है। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जो कि अभी पहले नहीं मिलता था। यहाँ पे ऑयल कूल की बैजिंग दी गई है, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ। यहाँ पे ऑयल कूल की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, जो कि मैं अब इसके टायर और ब्रेकिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको फ्रंट में जो टायर साइज़ मिलता है, मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ, शायद इसमें 90mm का वाइटर आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। हाँ, इसमें आपको 90x90/17 का टायर देखने को मिलता है, 90x90/17 का। इसके साथ ही इसकी रियर टायर की बात करें तो आपको रियर के अंदर इसमें आपको 120mm का वाइटर देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये आप रियर में देख पा रहे होंगे, इसमें 120x80x17 का टायर, 120x80/17 का टायर देखने को मिलता है। और अब इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं और सिंगल चैनल ABS मिलता है। और ब्रेकिंग में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी शिकायत आपको बाइक से नहीं होगी, बाइक अच्छी है ब्रेकिंग के मामले में भी। इसके साथ ही रियर लुक की बात करें तो रियर में आपको वही चीज़ें देखने को मिलती है जो कि पहले मिलती थी। और यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरे के सामने आता हूँ फिर बताऊँगा अच्छे से। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो रियर मरगार्ड ये देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। देखो, देखने में कम अच्छा लगता है मुझे तो पर्सनली, बाकी बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन इस चीज़ का मतलब मेरे को कभी कभी समझ में आता है। अभी जब मैं बाइक लेके आ रहा था, काफ़ी कीचड़ था, बारिश वगैरह हुई है, तो पानी मतलब गीला कीचड़ वगैरह जो रोड पर पड़ा होता है उस टाइप का था, छींट वगैरह बहुत लगती है। जब मैं अपनी बाइक चलाता हूँ तो यार थोड़ा बहुत गंदा हो जाता हूँ, पीछे बैक साइड से भी छींट आती है थोड़ी सी पीछे, अगर स्पीड में चलाऊँ तो गीले रोड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली है। मैंने भगाया भी है बाइक को और इसने काफ़ी प्रोटेक्ट किया इस चीज़ को लेके। और ये चीज़ आपको NS200 में भी देखने को मिलती है, तो आपको बारिश वगैरह के टाइम में बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मतलब कीचड़ वगैरह नहीं लगेगा आपको ज़्यादा, बहुत ही मामूली से कीचड़ लगेगा पैरों पे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ इसके इंजन के बारे में बात करते हूँ, आपको बताना चाहूँगा।
और इसके इंजन की बात करें तो आपको बता दूं इसमें आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है और ऑयल कूल्ड की यहाँ पे बैजिंग दी गई है और मैं शायद आपको पहले बता भी चुका हूँ। इसकी पावर फिगर मेरे को बतानी थी आपको, इसलिए मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। इसकी पावर फिगर की बात करें तो ये बाइक आपको 16.5 bhp की पावर, मैं PS की पावर देती है, उसके साथ ही ये 14.5 Nm का टॉर्क देती है। और आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। ये देखो यार, ये प्रूफ देख सकते हो आप, ये जो इसकी मैनुअल बुक है इसके अंदर 16.5 PS की पावर, उसके साथ ही 14.5 Nm का टॉर्क यहाँ पे दिया गया, जो कि PS जो इसकी जो पावर है वो 9000 RPM पे आपको मैक्सिमम मिलती है, उसके साथ ही जो टॉर्क है 14.5 Nm आपको 7000 RPM पे मैक्सिमम मिलता है। इसके साथ ही अब इसकी बाइक की अगर ओवरऑल लुक की बात कर लो आपकी, भाई ओवरऑल लुकिंग में आप बाइक कैसी है तो एक बार मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ। और अब कंप्लीट लुक की बात करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा बाइक की लुकिंग पहले वाली ही सेम और अट्रैक्टिव लगती है देखने में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यार कोई ओल्ड जनरेशन पल्सर आप देख रहे हो। मतलब हाँ, इसमें LED लाइट की आपको शिकायत है इससे मैं समझ रहा हूँ कि वो आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई है, लेकिन कोई इतना भी बड़ा फर्क नहीं है उस चीज़ को लेकर, ये लाइट भी अच्छी खासी इस पर शूट करती है। इसके साथ ही मैं आपको अगली चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, अब बाइक में अगर आपको कोई कमी लगती है तो क्या देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मेरे को ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि देखो मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, बिल्ड क्वालिटी में देखो यार बजाज जो भी है मेरे को बिल्ड क्वालिटी हल्की सी लो लगी है कहीं कहीं पर, बाकी इतनी लो भी नहीं है कि आप बाइक को हटा सको कि यार मेरे को नहीं लेनी, इतनी हल्की भी नहीं है। बाकी और बाइक के कंपेरिजन आप देखते हो तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी थोड़ी सी कहीं जगह पर आपको कमी देखने को मिलती है उस चीज़ में। और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसकी जो वाइब्रेशन वगैरह है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाइक कितनी वाइब्रेशन करती है। तो जो वाइब्रेशंस जो आपको देखने को मिल रही है बहुत ही कम वाइब्रेशंस इसमें है, शायद आप सोच रहे हो कि वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी बजाज की बाइक है, लेकिन हाँ आपको ज़्यादा हाई RPM पे थोड़ी सी वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील होगी, बाकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। हाँ अगर आप और किसी कंपनी को देखते हो कोई ज़्यादा जो इससे थोड़ी एक्सपेंसिव भी है तो यार देखो उसमें तो वाइब्रेशन आपको थोड़ी कम मिलेगी, एक्सपेंसिव भी हो जाती है, लेकिन इस प्राइस रेट के हिसाब से इसकी जो एक्सटर्नल प्राइस है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें इसकी जो एक्सटर्नल प्राइस अभी है 1,04,000 रुपये, 1,04,000, तो ये इसकी एक्सटर्नल प्राइस है। बाकी आपके स्टेट के हिसाब से आपकी सिटी के हिसाब से प्राइस थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। और इसके बारे में मैं आपको जो अगली चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने NS 200 के बारे में भी बताया है कि NS 200 के जो सस्पेंशन है आपको थोड़े से ज़्यादा हार्ड मिलते हैं और वो हाईवे के लिए काफ़ी अच्छे हैं। सिटी के अंदर आपको थोड़ा सा फील होंगे कि यार सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए थी, जब आप थोड़े बड़े गड्ढे वो चलाओगे तो बिल्कुल ही आपको फील होता है जैसा कि मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें सस्पेंशन आपको NS 200 के कंपेरिजन में थोड़े से सॉफ्ट मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही यार देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि बाइक कंफर्टेबल नहीं है NS 200, दोनों ही बाइक कंफर्टेबल है अपने अपने हिसाब से, उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है थोड़ी स्पीड के अंदर, तो इसलिए थोड़े से हार्ड उसके सस्पेंशन आपको मिलते हैं। और इसके सस्पेंशन इसलिए थोड़े सॉफ्ट है कि इसको अगर आप ज़्यादा सिटी में राइड करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए चीज़ें दी जाती है। इसके साथ ही इसके अगली चीज़ के बारे में बात करेंगे, अगर आपको बाइक लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए, तो आपको बताना चाहूँगा देखो 1,04,000 रुपये की बाइक आपको एक्स्ट्रा रूम मिलती है तो बाइक लेनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी चॉइस है कि अपाची 164 भी लेने की, तो यार देखो मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ कि देखो ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं है बाइक में, पावर वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है, जो मेन फ़र्क जो निकल के आता है वो कंपनी का और लुकिंग का फ़र्क निकल के आता है। आपको अगर बजाज ज़्यादा पसंद है तो आप इसके ऊपर जाइए, TVS ज़्यादा पसंद है तो आप उसके ऊपर जाइए, और लुक कहाँ मतलब कहाँ मैटर करती है कि आपको लुक कौन सी पसंद है, किस बाइक की लुकिंग ज़्यादा पसंद है। तो देखो मुझे तो पर्सनली दोनों ही बाइक की लुकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हर एक इंसान की किस बाइक की लुकिंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आपको LED लाइट वगैरह चाहिए तो आप उस पर जा सकते हो, लेकिन लाइट इसकी भी काफ़ी अच्छी है, कोई भी शिकायत आपको इसकी लाइट्स वगैरह से नहीं होगी, विजिबिलिटी भी अच्छी है। अगर लास्ट मेरे को यही बोलना था कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बाइक वीडियो लाइक कर सकते हो, और बाइक से कनेक्ट रहने के लिए नीचे सोशल मीडिया के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय, टाटा टेक केयर, मस्त रहो खुश रहो और मस्त रखो सबको यार, थैंक यू।